तो आज मैं भाप पर पकाकर लौकी की सब्जी तैयार करूंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अच्छी कमेंट या बुरी लगी तो बुरी कमेंट भी दे सकते हैं, जिससे मैं आगे अपनी रेसिपी को सुधार ला सकूँ। तो इसके लिए मैंने 1/4 लौकी लिया था, मतलब लौकी को 4 हिस्सों में काट लिया, जिसका एक हिस्सा लेकर मैंने कद्दूकस कर लिया है। मेरी लौकी सॉफ्ट थी, मतलब इसके बीज ज़्यादा हार्ड नहीं थे, तो मैंने इसको पूरा कद्दूकस कर दिया। अगर लौकी में हार्ड बीज हो तो उसे बीज को निकाल लेना है और अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, और लौकी का एक्स्ट्रा पानी उसको भी निकाल देना है। पानी इसमें नहीं रहेगा, पानी को एक्स्ट्रा निकाल देना है, मतलब हाथों से दबाकर। मैंने यहाँ एक बर्तन में 1.5 ग्लास पानी लेकर अच्छे से कपड़े से बांधकर स्टीम किया था। आप चाहे तो जाली वाली थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा था, लौकी का पानी मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया। उसके बाद करीबन 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक और 1 चुटकी हींग का भी उपयोग किया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये लौकी जो है अच्छे से बन जाए, मतलब इकट्ठी हो जाए। तो हम ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, बेसन ज़्यादा यूज़ करने से बेसन का स्वाद आ जाता है। बेसन बस हम उतना ही यूज़ करेंगे जिससे हमारा लौकी जो है एक साथ बन जाए, मतलब इकट्ठी हो जाए। तो बस हल्का हल्का बेसन डालते हुए मेरे 2 चम्मच बेसन में आराम से हो गए थे। तो इस तरह करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है, मतलब गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। जब हमारा लौकी कुछ इस तरह से हो जाए तो अब हम इसे क्या करेंगे, हमने जो बांध कर रखा था ना कपड़ा, उसको हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। कपड़ा बांधते समय हमेशा ध्यान दें, कपड़ा या फिर छोटा रखें या फिर कपड़े को अच्छे से ऊपर की तरफ लपेट दें, जिससे नीचे की तरफ लटका ना हो, नहीं तो कपड़े में आग भी लग सकती है। तो आप जाली वाली थाली का भी यूज़ करेंगे तो उतना ही सही रहेगा, तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह कुछ रस्सी से बांध लिया था और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ मुड़ के गैस पे गर्म होने के लिए, पानी के लिए रख दिया था। जब पानी अच्छे से गर्म हो गया तो फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से भाप निकलने लगा है। तो जब भाप निकलने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए पानी गर्म हो गया है, तो फ्लेम को स्लो करके हमने जो पेस्ट तैयार किया था ना, उसके गोल गोल बड़ियाँ बना देंगे, छोटी छोटी बड़ी बनाएंगे, जिससे हमारा जो बड़ी है वो अच्छे से पक भी जाएगी और कच्ची भी नहीं रहेगी। तो इस तरह हम सारी पेस्ट को जो हमने तैयार किया था उसको, सारी बड़ियों को बना देंगे और फ्लेम को स्लो करके ढक कर कुछ देर के लिए कुक करेंगे, जिससे अच्छे से कुक हो जाती है। तो इस तरह सारी बड़ियों को हमें बना लेना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारा पेस्ट जब कुछ देर करीबन 5 से 10 मिनट हो जाए, तो हमें ढक्कन को हटाकर देखना है ऊपर से। जब ये कुछ हार्ड टाइप की हो जाए, मतलब हाथों में चिपके नहीं, बस जो इसके बेसन जो है वो हार्ड हो जाए, तो हम इसे पलट देंगे, जिससे ये दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। मैंने इसे करीबन 20 मिनट तक स्टीम में कुक किया था, स्लो फ्लेम में, क्योंकि यदि ये कच्ची रह जाएगी तो स्वाद भी अच्छी नहीं आएगी। तो आप इसे आराम से कुक होने दें, जिससे बेसन अच्छे से पक जाए। तो जब अच्छे से पक जाए, हाथों में नहीं चिपके जब, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो बड़ी है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में 1 बाय 1 निकाल लेंगे, 1 चम्मच के माध्यम से, क्योंकि ये गर्म है, हाथों से नहीं निकाल सकते। तो इस तरह चम्मच के द्वारा एक एक करके हम सारी बड़ियों को एक दूसरे बर्तन में निकाल कर फैला कर थोड़ी देर के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी सूख जाए, क्योंकि ये बहुत ही स्वाद में अच्छी लगती है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ मसालों का भी यूज़ किया है, जिससे इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, जैसे तेज़पत्ता, लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, गोटा जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गर्म मसाला पाउडर और टमाटर और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1.5 इंच अदरक को मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और 1 बड़ा प्याज मैंने इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल।
तेल ज़्यादा नहीं लेंगे, आप चाहे तो तेल ज़्यादा भी ले सकते हैं, तेल में अच्छे से फ्राई करने से अच्छी लगती है, पर मैंने यहाँ कम तेल का यूज़ किया है क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे कम तेल में ही बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पर तेल कम लिया है और इसे जो हमने बढ़िया बनाई थी ना उसको डालकर अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए फ्राई करेंगे। जब कुछ अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, तो हमें इसे अच्छे से एक समान चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। जब कुछ अच्छे से ये गोल्डन टाइप की हो जाए तो अब इसे हम बाहर दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में हम डालेंगे करीबन 2 बड़े चम्मच तेल मसालों के लिए। तो जब हमारी बढ़िया कुछ इस तरह से हो जाए तो हमको दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेनी है और इसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को डाल देना है। फिर डालना है गोटा जीरा और लाल मिर्च तोड़कर और तेज़पत्ता, आप चाहे तो खड़े गर्म मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पे नहीं किया है। उसके बाद हम कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हिलाएंगे। ज़्यादा प्याज को नहीं भुनना है, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम इस प्याज को भुनना है। जब प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे और हमने जो टमाटर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था ना उसको भी इसमें ऐड करना है। तो अब हम ऐड करेंगे टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें डालेंगे हम करीबन 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए मैंने यूज़ किया है, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च लें या ना लें ये आपकी मर्जी है, पर कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आता है तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है जिससे ये इसका कलर काफ़ी अच्छा निखर कर आता है। तो आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद हो तो, और कम तीखा पसंद हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करें। मैंने यहाँ एक्स्ट्रा स्वाद के लिए कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। कसूरी मेथी को मैंने घर पर सुखा कर बनाया था, ये बाज़ार में भी अच्छे से बाज़ार में भी अवेलेबल है, तो आप इस तरह कसूरी मेथी को अच्छे से रगड़ कर जो ऊपर का जो रेशा है एक्स्ट्रा उसे निकाल लेना है और उसके बाद इसको डाल देना है, इससे इसका स्वाद और काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह कसूरी मेथी डाल देना है और मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक ये मसालों से तेल अलग ना हो जाए। फिर हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, और तो जब मसालों से तेल अलग हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे गर्म मसाला पाउडर एक्स्ट्रा स्वाद के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, पानी आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा या कम ले सकते हैं। ग्रेवी यदि गाढ़ी रखनी हो तो आप कम पानी, या ज़्यादा पतली रखनी हो तो आप ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे। और इसे ढककर 5 मिनट तक के लिए मैंने पकाया था जिसे इसमें उबाल आने लगे। जब उबाल आने लगे तो हम अपनी सारी बड़ियों को इसमें ऐड कर देंगे और ढककर 5 मिनट तक और पकाएंगे जिससे ग्रेवी का जो मसाले हैं बड़ियों में अब्जॉर्ब हो जाए जिससे बड़ियों का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो हमने लौकी के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे, तो हम तेल में जब फ्राई करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा तेल आ जाता है, तो इस तरह आप हेल्दी वे से बनाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी लगती है, लौकी के कोफ्तों से के जैसी ही लगती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब हम जब हमारा 1 मिनट हो गया है अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते जो जिसे मैंने धोकर अच्छे से कट करके रखा था। इसमें अब धनिया के पत्तों को डाल देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है और हम सर्व करेंगे इसे प्लेट में। तो इस तरह हमारा लौकी का सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।